क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और प्रेस करो इस बेल आइकन पे ताकि आप देख सको वीडियो सबसे पहले। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं एसक्यूएल के बारे में। तो एसक्यूएल क्या होता है, इसके थ्रू हम डेटाबेस को मैनेज करते हैं, डेटाबेस को हैंडल करते हैं और डेटाबेस के अंदर जो भी डेटा रहता है उसे रिट्रीव करते हैं, गेट करते हैं, डिलीट करते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो जैसे देख सकते हो मैंने ना काफ़ी सारे टूर्नामेंट एप्लीकेशन क्रिएट किए हुए। इधर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे पब्जी टूर्नामेंट एप्लीकेशन मैं क्रिएट करता हूँ जिसके अंदर टूर्नामेंट पब्जी के, लूडो के, फ्री फायर के और भी बहुत सारे जो भी स्पोर्ट्स गेम है वगैरह वो सारे के टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये वीडियो मैं बताता हूँ और मैंने काफ़ी सारे ट्यूटोरियल के वीडियो भी बताया जिसके अंदर मैं जावा, कॉटलिन वगैरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाया हूं। तो ये वीडियो जब मैंने बनाया था तो काफी लोग ने मुझे मैसेज किया और बोला कि आप बताइए टूर्नामेंट एप्लीकेशन कैसे क्रिएट करते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर, इसका पूरा ट्यूटोरियल लेके आई है। तो इस टूर्नामेंट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, और आपको बगल में डेमो भी दिख रहा है जैसे कि मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं मेरा प्रोजेक्ट का, तो उस टूर्नामेंट एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए आपको है ना कॉटलिन और जावा सीखना पड़ेगा जो कि हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर क्रिएट करेंगे। और इस टूर्नामेंट एप्लीकेशन के अंदर आपको जैसे कि कुछ डेटा शो करना होता है लॉगिन स्क्रीन के अंदर, जैसे कि यूजर लॉगिन करता है, रजिस्टर करता है, मैच वगैरह शो करने होते हैं, ट्रांजेक्शन अमाउंट शो करना होता है, उसका वॉलेट बैलेंस शो करना होता है, तो वो सारी चीज़ें कहाँ स्टोर होती है, किस तरह रिट्रीव होती है, किस तरह गेट होती है, किस तरह अपडेट होती है और किस तरह यूज़र के थ्रू हम डेटा को गेट करते हैं और किस तरह हम हमारे इंफॉर्मेशन शो करते हैं, तो इसके लिए हमें एसक्यूएल सीखना पड़ता है। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी कॉटलिन के ऊपर, जावा के ऊपर वीडियो बना दिया गया है, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसके थ्रू हमारा बैकएंड का काम होएगा, सारे फंक्शंस वगैरह रन करेंगे, ये सारा कोड हम एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर लिखेंगे जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो हमारा कॉटलिन और जावा सपोर्ट करता है। तो ये दोनों लैंग्वेज को यूज़ करके हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन बना सकते हैं। इसके साथ में आपको डेटाबेस बहुत ही ज़रूरी है, तो ये देख सकते हैं ये है एसक्यूएल। तो एसक्यूएल मतलब होता है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। तो इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम है ना कोई भी डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एप्लीकेशन के साथ में। आप कोई भी एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो, जैसे कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हो या फिर वेबसाइट डेवलप कर रहे हो या फिर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हो, कुछ भी डेवलप कर रहे हो, उसके लिए आपको एसक्यूएल सीखना बहुत ही ज़रूरी है और ये कंपलसरी है। और आज के टाइम पे आप कहीं भी इंटरव्यू देने जा रहे हो या फिर कहीं जॉब के लिए भी जा रहे हो और आप सोच रहे हो कि यार डेटाबेस के रिगार्डिंग में कुछ चीज़ें सीख लेता हूं, तो इसके लिए भी आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोई भी लैंग्वेज हो गया, किसी भी प्रोजेक्ट के ऊपर या फिर किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर काम करो, कोई भी अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और सिस्टम के लिए आप पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हो जैसे वेबसाइट, एंड्रॉइड एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर या फिर मैक का सॉफ्टवेयर, तो इसके साथ में हमें डेटाबेस को यूज करना ही पड़ता है डेटा स्टोर करने के लिए। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा ट्यूटोरियल बता दूंगा किस तरह आपको डेटाबेस को यूज करते हैं, किस तरह इसके अंदर क्वेरीज लिखी जाती है। तो सबसे पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं, बाद में फिर हम ये सारा चीजें कोडिंग के थ्रू समझेंगे और एकदम एडवांस तरीके से। और आपने अभी तक जावा और कॉटलिन नहीं देखा है तो उसका पूरा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा मैंने वन वीडियो बनाया हुआ है जावा का भी और कॉटलिन का भी पूरा वन वीडियो बनाया हुआ है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। और इधर मैंने इसका प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ, जैसे आप देख सकते हो ये है जावा और ये है कॉटलिन, तो ये आपने एक्सेस नहीं किया तो मेरे चैनल के अंदर जाके एक्सेस कर सकते हो और लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, सिलेबस के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे, तो सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर इंस्टॉल करेंगे, इसके बाद में एक मैनेजमेंट स्टूडियो इंस्टॉल करेंगे। अब ये मैनेजमेंट स्टूडियो क्या होता है, जिस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो होता है उसके अंदर हम जावा को यूज़ करते हैं, उसी तरह मैनेजमेंट स्टूडियो के अंदर हमारे जो एसक्यूएल के कमांड्स रहेगी, जो क्वेरीज रहेगी वो यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हम मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करेंगे, जब हम एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलप करेंगे वहाँ हम जावा, कॉटलिन और एसक्यूएल के सारे प्रोसेस वहाँ हम लिखेंगे। फिलहाल बस एसक्यूएल सीखने के लिए हम मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करेंगे। तो मैनेजमेंट स्टूडियो जो कि हमारा SSMS शॉर्ट फॉर्म कहा जाता है, वो हमारे एसक्यूएल के क्वेरी को लिखने के लिए ही बनाया गया है और इसके अंदर आपको काफ़ी सारे बेनिफिट देखने को मिल जाते हैं। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताने के बाद में फिर हम एसक्यूएल के अंदर डेटाबेस जैसे कि क्रिएट कैसे करना है, ड्रॉप कैसे करना है डेटाबेस से टेबल या फिर बैकअप कैसे करना है, फिर क्रिएट टेबल, उसके बाद में ड्रॉप टेबल, बाद में फिर अलर्ट टेबल, उसके बाद में आप देख सकते हो कंस्ट्रक्टर्स के अंदर नॉट, नल, यूनिक, प्राइमरी, फॉरन की देखने को मिलती है। तो ये सब आपको बहुत ही लंबा चौड़ा दिखता रहेगा, पर ये दो या तीन लाइन का एक कोड है, बहुत ही सिंपल, कुछ टफ नहीं, आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा, मैं एकदम इजी तरीके से आपको समझाऊंगा। और इधर आप देख सकते हो बाद में चेक, डिफॉल्ट इंडेक्स, ऑटो इंक्रीमेंट और डेट्स, व्यू, इंजेक्शंस और होस्टिंग और डेटा टाइप, तो ये सारी चीजें हम जो कि एसक्यूएल डेटाबेस के अंदर। इसके बाद में फिर आप देख सकते हो जैसे कि हम डेटाबेस और टेबल के बारे में एकदम प्रॉपर तरीके से समझ गए, टेबल वगैरह कैसे क्रिएट करना, अभी टेबल वगैरह क्या होता है ये मैं आपको आगे डेमो भी बता दूंगा। इसके बाद में आप देख सकते हो टेबल के अंदर जो कि डेटा इंसर्ट कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है, उसके अंदर एंड और नॉट ऑपरेटर को कैसे यूज़ करना है। इसके बाद में आप देख सकते हो ऑर्डर बाय, इंसर्ट इनटू, नल वैल्यू, अपडेट, डिलीट, सेलेक्ट, टॉप, मिनिमम, मैक्सिमम को कैसे यूज़ करना है, काउंट, एवरेज, सम को कैसे यूज़ करना है, कितना डेटा काउंट करना है, एवरेज कितना है, देख सकते हो 10 जन की सैलरी उसका एवरेज कितना है वो एवरेज को यूज़ करते हैं, बाद में फिर लाइक ऑपरेटर, बाद में फिर आप देख सकते हो वाइल्ड कार्ड, इन, बिटवीन, एलिस, ये सारे के सारे आप देख सकते हो, जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ ये सारे के सारे हम मेन जो कि
यूआई डेवलपमेंट करते, कोई भी सॉफ्टवेयर या एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते, ये सारे के सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे को ही यूज़ किया जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। तो इस सारे के सारे को मैं कवर कर रहा हूँ जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये तो हमारा सिलेबस हो गया, इसे आप स्टॉप करके देख सकते हो, ये पूरे की पूरी चीज़ को हम सीखेंगे। और इसके बाद में आप देख सकते हो व्हाट इज़ अ डेटाबेस, डेटाबेस का मतलब क्या होता है, तो मैं आपको थोड़ा बेहतर तरीके से समझा देता हूँ। तो ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डेटा स्टोर इन अ इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। तो जैसे कि हमारा डेटा पेपर के अंदर स्टोर होता है, पेपर के अंदर कुछ भी लिखते बाद में कपबोर्ड वगैरह के अंदर रख देते, तो उसी तरह हमारा डेटा एक इलेक्ट्रॉनिक वे की तरह स्टोर होता है डेटाबेस के अंदर, जो कि इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू हम इसे एक्सेस करते हैं, गेट करते और जो कि उसमें अपडेट वगैरह करते। तो आप देख सकते हो ये है डेटा और ये है हमारा डेटाबेस। तो डेटाबेस क्या होता है, डेटाबेस मतलब हमारा खुद का कंप्यूटर को हम डेटाबेस बना सकते हैं, या फिर हम कोई भी होस्टिंग परचेस करते, होस्टिंग के अंदर हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए वहाँ का हमें डेटाबेस बना सकते। तो हमें कुछ स्टोरेज की स्पेस देखने को मिल जाती है, वो इलेक्ट्रॉनिक में स्टोर होती है, तो उसे कहते हैं डेटाबेस। अब डेटाबेस के अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं डेटा, मैनिपुलेट कर सकते हैं डेटा, और आप देख सकते हो अपडेट कर सकते हैं डेटा। तो ये सारी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद में नीचे आप देख सकते हो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, मैनेजमेंट स्टूडियो को यूज़ करके हम डेटा को मैनेज करेंगे, गेट करेंगे, अपडेट करेंगे, डिलीट करेंगे और अपने क्वेरीज को लिखेंगे। तो क्वेरी लिखेंगे, उसके थ्रू हमारा गेट, अपडेट, डिलीट और जो भी चेंजेस होएगा वो क्वेरी के थ्रू होएगा। तो जिस तरह एंड्रॉइड स्टूडियो होता है एंड्रॉइड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करने के लिए, उसी तरह हमारा जो कि है ना डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है हमारे डेटा को स्टोर करने के लिए, उसके अंदर जो भी चेंजेस वगैरह मैनिपुलेट करने के लिए, तो इसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि एक सिस्टम होता है। अब बात करते हैं एसक्यूएल के बारे में। तो व्हाट इज एसक्यूएल, एसक्यूएल का मतलब क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है, इज अ डेटाबेस लैंग्वेज यूज टू क्वेरी एंड मैनिपुलेटिंग द डेटा इन द डेटाबेस। तो जैसे कि मैंने बताया चेंजेस, अपडेट, डिलीट वगैरह क्रिएट करने के लिए एसक्यूएल जो कि लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। और इसके अंदर आपको कुछ डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैटेगरीज देखने को मिल जाती है, तो DDL, DML, DCL, DQL, DTL, तो ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। अब इसके अंदर क्या कौन सा आपको ऑप्शन देखने को मिलता है, कौन से क्वेरीज देखने को मिलते हैं, कौन से फंक्शन देखने को मिलते हैं, वो मैं आपको आगे बता देता हूँ। तो ये आपने अपने एग्जाम में या फिर बुक्स में या फिर देखा रहेगा काफ़ी बार, तो इसके अंदर आप कन्फ्यूजन हो जाते रहोगे। तो इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज का मतलब होता है DDL, उसी तरह आप देख सकते हो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का मतलब होता है DML। तो इसी तरह ये सारे के सारे प्रोसेस को यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं नीचे जो कि इसके टाइप्स के, तो इसके अंदर आपको कौन सा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो टाइप ऑफ एसक्यूएल कमांड्स, तो DDL के अंदर आप देख सकते हो क्रिएट, अलर्ट, ड्रॉप, रीनेम और ट्रंक्स, और आप देख सकते हो कमेंट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और DQL के अंदर आपको ओनली सेलेक्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है, DQL का मतलब डेटा क्वेरी लैंग्वेज। और DML के अंदर इंसर्ट, अपडेट, डिलीट्स और मर्ज, कॉल, एक्सप्लेन प्लेन और लॉक टेबल का ऑप्शन देखने को मिलता है। और DCL जो कि डेटा कंट्रोल लैंग्वेज है, तो जिसके अंदर आपको ग्रैंट और रिवॉक करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, जैसे कि हमें है ना डेटा किस तरह दिखता है, डेटा स्टोर किस तरह होता है, टेबल वगैरह क्या होता है। तो ये आप देख सकते हो जैसे कि रेक्टेंगल शेप में आपको दिख रहा है, इसके अंदर रो और कॉलम का फॉर्मेट आपको दिख रहा है, तो इस पूरे को हम कहते हैं टेबल। तो आप देख सकते हो ये पूरा हमारा टेबल है। अब टेबल के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, तो ये स्ट्रेट लाइन में एक बंदे का रिकॉर्ड है, तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं, जो कि एक स्ट्रेट लाइन में रो आप देख सकते हो, तो उसे हम रिकॉर्ड कहते हैं। और ऊपर का जो पूरा का पूरा कॉलम है उसे हम फील्ड कहते हैं। तो कभी कभार आपको है ना क्वेश्चन में फील्ड पूछा जाएगा या फिर कॉलम पूछा जाएगा, तो इसमें कन्फ्यूज नहीं होना। फील्ड दिया हुआ तो मतलब इसका होता है कॉलम सेम होता है, और रो दिया हुआ तो उसका मतलब होता है रिकॉर्ड। तो रिकॉर्ड मतलब आप किसी को बोलते हो कि इस दोस्त का रिकॉर्ड निकाल के लेके आना, इसका रिकॉर्ड निकाल के लेके आना, तो इसका मतलब होता है कि उसका पूरा डिटेल लेके आना, उसका नाम, एज, पता, एड्रेस, सारा का सारा, तो इसे कहते हैं रिकॉर्ड। और सिंगल जो कि है ना डेटा रहेगा, तो उसे हम वैल्यू कहते हैं। तो आप देख सकते हो डेटा वैल्यू, पर्टिकुलर वैल्यू जो हमें फाइंड करना है, फॉर एग्जाम्पल उसकी सैलरी फाइंड करनी है, उसका एज फाइंड करना है, तो पर्टिकुलर सिंगल वैल्यू को हम कहते हैं डेटा वैल्यू। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट एसक्यूएल सर्वर कैसे इंस्टॉल करना है, और बाद में फिर SSMS कैसे इंस्टॉल करना है, जो कि मैनेजमेंट स्टूडियो।